आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर आज आपके साथ गुफ्तगू करनी है, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर अ रियल इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ कि मैं आपके साथ वो जो वाक्य है वो मैं शेयर करूं। मैंने जब ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई, इट वॉज मतलब बैक इन 2006 और 7, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं याद है मुझे सही तरह से ना, तो हमारे पास कैरी डब्बा होता था। मेरे अबू जी है, अल्लाह ताला उनकी गिरी के रहमत करे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो उन्होंने चाबी रखी और मैं फ़ौरन से चाबी उठा के ना और स्टार्ट करके ना मैं लेकर, अच्छा इस दिन से पहले ना मैं 5-7 हफ्ते या 8-10 दिन महीना पहले ना मैं इंटरनेट पे देखता रहता था, ठीक है, अपने किसी बड़े भाइयों से पूछता रहता था कि यार गाड़ी कैसे चलाते हैं, ये कैसे करते हैं, उनको ड्राइव करते हुए देखता था, गियर कैसे लगाते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना सेल्फ ऑब्जर्वेशन की स्किल्स जो थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। इंटरनेट का मैंने वर्ड यूज़ किया, उन दिनों में तो इतना होता नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत चलता रहता था सुनी सुनाई बातों के थ्रू, तो मैं ना गाड़ी स्टार्ट करके ले गया। तो वो जैसे ही मैं अपनी गली से निकल रहा था तो सामने ईंटों की ट्राली आ रही थी, उसको देख के ना मैं डर गया, तो मैं ना उतर के ना वहीं पे गाड़ी छोड़ के मैं भाग गया। तो उसने मुझे बुलाया, उसने कहा इधर आओ भाई, किधर जा रहे हो? मैंने कहा यार मुझे ना गाड़ी वापस मोड़नी है, वो मुझे मोड़नी नहीं आती। तो वो हंस पड़ा, तो कहता इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कह नहीं रहने दो भाई जान, आप ना वो मैं अपने अब्बू को बुलाता हूँ, वो खुद ही कर लेंगे ठीक। तो वो ना मेरी बात से ना वो और भी साहब काफ़ी सारे वहाँ पे मौजूद थे, वो लोग हंस रहे थे। तो वो फिर मेरे दिन मैंने तरकीब आई, वो मैंने क्या किया, वो गाड़ी बंद करके ना मैंने उसको धक्का शक्का लगा के उसका मुंह वापस उस तरफ करके ना तो मैं स्टार्ट करके तो मैं ले गया। बट जो बात है बताने की है, जो बात है शेयर करने की, वो ये है कि कॉन्फिडेंस था एक ज़रा थोड़ा सा, एक अंदर से ना शौक था, शौक के नाम पर कॉन्फिडेंस था कि यार आज मैंने गाड़ी चलानी है। सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा था उससे कोई एक डेढ़ महीना पहले, 15-20 दिन पहले, यानी काफ़ी देर पहले मुझे क्यूरियोसिटी बन रही थी कि यार मुझे गाड़ी चलानी है, मैंने देखना है ये कैसे गियर लगता है, कैसे स्टार्ट होता है। तो वो स्टार्ट करके ले के आगे जाने तक तो वो मैं ले गया, लेकिन वो वापस भी ले आया। दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई ड्राइव माय कार, और कैरी डब्बा था वो बेसिकली। तो उस दिन के बाद ना मुझे ज़रा थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड होना शुरू हुआ। उसके राइट आफ्टर 2 or 3 weeks मेरे एक नेबर हैं, वो भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं, उनके पास भी कैरी डब्बा था, वो अपना कैरी डब्बा ना वर्कशॉप में ठीक करवा रहे थे, तो वो मुझे साथ ले गए। उन्होंने कोई अपने को पता नहीं ब्रेक का काम करवाना था, किसका काम करवाना था, तो वो जब वो वहाँ से निकले ना तो उन्होंने मुझे कहा कि पंजाबी स्पीकिंग थे, उन्होंने अमर पुत्र हूँ तू गड्डी चलानी। मैं कहा चाचा जी मैनू तो गड्डी इन्नी नहीं चलानी आती ना, तो तू मेन सड़क है तो मैं मेन सड़क तक किमें चलावा, कहते मैं तेरे नाल। जब उन्होंने ये अल्फाज मुझे किए ना मैं तेरे नाल हाँ, तो वो एक फिर एक कॉन्फिडेंस ना एक अंदर से पैदा हुआ कि यार बड़ा खुद कह रहा है कि मैं तेरे नाल हाँ, तो मतलब कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो वो अब उनके कहने पे ना मैं वो गाड़ी ना उनकी वर्कशॉप से निकाली और मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सड़क के ऊपर ले आया। अब यकीन करें मैं इतना डरा हुआ मेन सड़क के ऊपर, इतनी तेज़ी से ट्रैफिक चल रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वो मेरे साथ बैठे और मैं बहुत ही गलत तरीके से ना ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बैठे हैं, वो मुझे बता रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं पंजाबी में। तो एक कॉन्फिडेंस था अंदर के यार मैंने गाड़ी चलानी है। जब कॉन्फिडेंस था ना तब थोड़े बहुत रास्ते ना खुद ब खुद बनते गए। यही ना मेरा आज का टॉपिक है कि बेसिकली आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी काम को करने का, किसी भी मैदान में उतरने का, या किसी भी जिसे कहते हैं ना फील्ड में अपने आप को मनवाने का। जब आप इस तरह की थोड़ी सी कैफियत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं ना तो फिर थोड़े बहुत जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी की क्रिएशन खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है, आगे से सिरे खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। इसे मतलब खुद एतमादी भी कहते हैं। आपके अंदर इरादा हो किसी चीज़ को करने का, आपके ख्यालात ऐसे हों, फिर आपके अंदर कुव्वत हो उस चीज़ को करने की, ठीक है। जब आपकी ये 3-4 चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं तो फिर जो आउटपुट्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे निकलते हैं। तो ज़िंदगी में खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मत सोचें कि आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती, मत सोचें कि आपको ज़िंदगी के किसी मुकाम पर वो वाली हैसियत हासिल है जो किसी वहाँ पर मौजूद किसी बड़े बंदे को हासिल है, लेकिन आपके पास ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार नहीं आई कैन डू दैट। बट आफ्टर दिस सर्टन पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा वक्त लगेगा, यू कैन ईजिली मतलब डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ज़िंदगी में खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली आज का मैसेज यही था कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद एतमादी होती है, ठीक है, जिसको अडॉप्ट करके इंसान ज़िंदगी के किसी भी जिसे कहते हैं ना फील्ड में अपने आप को मनवा सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है हम लोग एक जगह पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हमारे साथ कैमरामैन के साथ ना एक असिस्टेंट होता है, अब वो भी इतना पैशनेट था, उसको इतना काम नहीं था आता,
लेकिन ही वॉज पैशनेटली डूइंग हिज जॉब, और वो कहता था कि मैं लाइट भी कर लूँगा, मैं ऑडियो भी सेट कर लूँगा, और मैं कैमरा भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। तो वो फिर आहिस्ता 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 ना वो कैमरामैन, सीनियर्स कैमरामैन के साथ ना उसने जाना शुरू कर दिया, तो वो फिर एक ना अच्छा कैमरामैन बन गया। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होंगे ना, तो बाकी के मामला तो आपके ना ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर एक खुद एतमादी वाली वो कैफियत होगी ना, तो बाकी मामला खुद ब खुद जो हो ना वो हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरे जहन में, ये वाक्य आया आज एक जगह से गुजर हुआ, तो वहीं पे इसी तरह से रिलेटेड कोई गुफ्तगू हुई, तो मुझे लगा कि आज खुद एतमादी के ऊपर बात करनी चाहिए। और मुझे अपनी ही ज़िंदगी का ये वाक्य जो मेरे खुद के साथ पेश आया, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस जो मिलना था, वो गाड़ी का वाक्य वो जो है मैंने आपके साथ शेयर किया उसको लेके। तो एक सोशल मीडिया पे मीम भी था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसने बड़ी अच्छी एक ना कॉमेडी वे में बात की कि कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आईफोन लिया। मतलब कहता कि पहले मैं कहीं पे भी जाने से पहले कतराता था, लेकिन अब मैं सीधा चला जाता हूँ। उल्टे आदमी आईफोन पकड़ा होता है, बस लोगों को दिखाना होता है कि इसके बाद आईफोन। तो ये भी एक कॉमेडी वे में एक अच्छी चीज़ है, मतलब सही है यार, उसने अपने तरीके से कह दिया है, अच्छी बात है। तो ये आज का मैसेज था भाई, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी काम को करने का, किसी भी पुख्ता इरादे से आप किसी भी काम को करने की जब नीयत रखते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और मंजिलें खुद ब खुद मिल जाती हैं। आखिर में हमेशा मेरे मेरे मुल्क के लिए दुआ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला मेरे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। थैंक यू।